दोस्तों ओप्पो रेनो का जो बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले है और इसमें जो बैक की तरफ से कोई कैमरा बम्प हमें नज़र नहीं आता और बहुत ही अच्छे लुक देता है। और इसके जो बॉक्स के साथ इसका केस आता है और वो बहुत ही एक किस्म का प्रीमियम किस्म का केस है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम रिजा एंड यू आर वाचिंग रिजा टेक। ओप्पो अपनी नई सीरीज़ लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है ओप्पो रेनो, और 13 जून को इसका जो पहला स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है उसके हम स्पेसिफिकेशन है उसकी भी हम बात करेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ओप्पो हमेशा अपनी नई सीरीज़ में नए नए फीचर को लॉन्च करता है। दोस्तों इस नई सीरीज़ में उसने लॉन्च किया है 10x जूम, जो कि 48 मेगापिक्सल के साथ उसने लॉन्च किया है, और ये बहुत ही कमाल का जूम है जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसके नए नए फीचर की बात करेंगे, और सबसे पहले जो इसका नया फीचर है वो है इसका मोटराइज्ड पॉपअप सेल्फी कैमरा, जो कि 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, और ये एक ख़ास लुक देता है मोबाइल को और बहुत ही अच्छी लुक देता है। इसके कुछ और स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें इसकी मिसिंग हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें नहीं डालेगी जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग भी हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि 9.0 पाई के साथ आने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा है और लेटेस्ट वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इसके बाद जो इसका कलर वॉइस है वो 6 के साथ आने वाला है, जो कि बहुत ही अपग्रेड और अच्छा कलर वॉइस है। इसके चिप सेट की बात करें तो वो है स्नैपड्रैगन 710। तो इसके जो मेमोरी है वो 128 GB के साथ और 6 GB रैम के साथ इसका एक वेरिएंट आने वाला है, और जो इसका दूसरा वेरिएंट है वो 256 GB के साथ और 8 GB रैम के साथ आने वाला है। जो इसकी बैटरी है वो तकरीबन 4000 mAh की आने वाली है। तो इसके साथ इसकी फास्ट चार्जिंग बूक टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला है, जो कि ओप्पो क्लेम करता है कि ये 30 मिनट में हमें 75% तक चार्ज करके देगा। तो तकरीबन ये हमें 45 मिनट में। दोस्तों अब तक तो आपने सुना है कि इसकी खसूसियात के बारे में, अब हम इसकी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि इसमें से निकाल दी गई हैं। दोस्तों सबसे पहले जो डिसअपॉइंटिंग बात है वो है इसका हेडफोन जैक। 3.5 mm का हेडफोन जैक इसमें नहीं है, जो कि टाइप सी का हैंड फ्री है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ इसमें वायरलेस चार्जिंग भी नहीं डाली गई, जो कि तकरीबन 70,000 के मोबाइल फ़ोन में होना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके बाद इसमें आप कार्ड भी नहीं डाल सकते, इसमें कार्ड बिल्कुल भी नहीं डाल सकते, और डुअल सिम 4G के साथ आने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अपना प्यार इस चैनल के साथ बनाए रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।